आशा एक सर्कस टाइग्रेस थी जो सिर्फ 9 महीने की थी जब उसे एक ऐसे पिंजरे में डाल दिया गया जहां पर वो सिर्फ अकेले रहती थी और कोई ठीक से उसकी देखभाल भी नहीं करता था। और फिर उसे एक ऐसे टाइगर के साथ में रख दिया गया जो कि आशा से बहुत ही बड़ा और बहुत ही एग्रेसिव था, जो कि आशा को बहुत ही नुकसान पहुंचाता था। आशा एक बहुत ही डेंजर कंडीशन में थी जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। आशा 9 महीने की थी लेकिन उसका वजन एक 9 महीने के टाइगर के मुकाबले 3 गुना कम था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात थी। आशा एक बहुत ही खराब कंडीशन में जी रही थी और कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। आशा के साथ वाला टाइगर बहुत ही खतरनाक था और आशा बहुत ही छोटी थी जिसकी वजह से उसे अपने आप का बचाव करना भी नहीं आता था और सर्कस वाले उसे ठीक से खाना भी नहीं देते थे, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ आशा बहुत ही कमजोर होती गई। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी और उसके खूबसूरत ऑरेंज बाल भी अब गिरने लगे थे और उसकी बॉडी धीरे धीरे बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। जैसे कि इस फोटो में देखा जा सकता है कि आशा एक टाइगर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आशा इतनी कमजोर थी कि उसके लिए सर्कस की लाइफ सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। अगर आशा इस जगह पर थोड़ा टाइम और रह लेती तो शायद वो सर्कस की बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाती। लेकिन थैंकफुली आशा को एक एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन ने बचा लिया। ऑर्गेनाइजेशन ने सही टाइम पर आशा को उस सर्कस से रेस्क्यू कर लिया। आशा की कंडीशन को देखकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोग बहुत ही उदास हो गए और आशा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने आशा का इलाज करना शुरू कर दिया। आशा की रिकवरी के लिए एक बहुत ही लंबा टाइम लगा क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और आशा के इलाज के दौरान इस ऑर्गेनाइजेशन के केयरटेकर और आशा के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। इस क्रू मेंबर का नाम विक्की था जो कि आशा का बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था। विक्की आशा के केज के अंदर जाता और उसके साथ में घंटों तक खेलता। विक्की ने बताया कि आशा के दिन का फेवरेट टाइम नहाते टाइम खेलना है, जिससे शुरू में तो आशा डरती थी लेकिन बाद में नहाना उसका फेवरेट बन चुका था। इतनी केयर करने के बाद आशा धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो गई और अब उसके ऑरेंज हेयर्स भी वापस आ गए थे, जिसके बाद आशा एक नॉर्मल टाइगर की तरह दिखने लगी। और जब आशा की कंडीशन बहुत ही अच्छी हो गई तब उसे एक बहुत ही बड़े एरिया में रख दिया गया जहां पर एक स्मगलर नाम का टाइगर रहता था। ये टाइगर बहुत ही अच्छा था जिसकी आशा से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों दिन भर खेला करते हैं। आशा अपने नए दोस्त से बहुत ही छोटी थी लेकिन वो अपने नए दोस्त के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। आशा को अपने नए दोस्त के साथ में पूल में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है और ये दोनों एक दूसरे के फेस पर वाटर स्प्लैश भी करते हैं। आशा अब एक डिप्रेस और अकेली नहीं है, अब उसके साथ बहुत ही अच्छे लोग हैं जो कि आशा का बहुत ही ख्याल रखते हैं। अगर आशा को इस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बचाया होता तो वो इतनी अच्छी लाइफ नहीं जी पाती जितनी वो आज जी रही है। आशा के रेस्क्यू के कुछ महीने पहले उसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका जीना भी बहुत मुश्किल था। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि जब हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं उस वक्त आशा की तरह ऐसे बहुत से जानवर हैं जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर परेशान और टॉर्चर किए जा रहे हैं। आज के टाइम पर एनिमल राइट्स के लिए आवाज उठाने की जरूरत है जिससे कि आशा जैसे दूसरे जानवर भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पाए। अगर आप टैलेंटेड लोगों के बारे में जानना चाहते हो तो टैलेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे टैलेंटेड लोगों के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने टैलेंट की वजह से हैरान कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो TheKnowledgeBook01 पर जाकर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।